हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपका जो क्लासेस चल रहा था एएलपी टेक्नीशियंस के लिए, उसी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए ये सेट नंबर 38 है। इससे पहले 37 सेट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक सेट नहीं देखा है तो आप जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके 37 सेट अब तक जितना भी हुआ है एएलपी टेक्नीशियंस के लिए उसको देख सकते हैं। ये 38 है, इसके बाद लास्ट सेट होगा, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जो कि मैथ्स के लिए ही होगा। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाऊँ, चैप्टर पहले समझा दूँ थोड़ा सा, उसके बाद जो बेसिक्स है उनको बता दूँ, उसके बाद उसी पे हम लोग 10 से 20 क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि एएलपी टेक्नीशियन साथ में एसआई सभी एग्जामिनेशन के जितने भी रेलवे में एग्जामिनेशन होने वाला है सबके कंपाइल का क्वेश्चंस मैं सेट करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं ये बता देते हैं थोड़ा सा जानकारी, ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है इस वीडियो में वो लिया गया है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है, जिसमें ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन बैंक है। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके कुल मिला के 255 सेट बना दिया गया है। बहुत अच्छा बुक है, एनटीपीसी से लेके आपका आईपीएफ एसआई आईपीएफ कांस्टेबल एएलपी का डिपार्टमेंटल भी जो हुआ था 2023 में सभी के क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। ये बुक बहुत अच्छा है, अगर आपको लेना है तो आप बुक ले सकते हैं। बुक हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। बुक आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगा और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही से चल रही है या नहीं। जी, तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर है, तो हम चलते हैं क्लासेस पे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चंस कैसे बनेगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, क्या अप्रोच होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन में, वो चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है, यदि एक्स का 5/7 का 25% 30% 105 है, तो x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या हो सकता है, पॉसिबल टर्म क्या है x का होने का। ठीक है, जैसा ही क्वेश्चन में बोला है वैसे ही सॉल्व करेंगे। x का 5/7, ठीक है, का मतलब गुना होता है। ठीक है, का मतलब ऑफ या गुना बोलते हैं, इंग्लिश में ऑफ लिखा जाता है। 25% फिर का मतलब गुना 30%, ये सब किसके इक्वल है, 105 के इक्वल है। आपसे टर्म पूछा है कि इस x का मान क्या होने वाला है, इस x का मान हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। x इंटू 5/7 इंटू 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 30% को 3/10 लिख सकते हैं। पर फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, 105 है। x का मान हम क्या निकलेगा, 105 नीचे वाला टर्म को ऊपर कर देंगे, ठीक है, और जो कटने वाला टर्म है उसको नीचे लिख देंगे, 5 इंटू, ठीक है, तो 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 7 × 49 × 40, ठीक है, इसको कैसे गुना करेंगे, अगर 50 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता, 200 ना आके 4 कम होगा, 196 होगा, 196, एक सुना यहाँ पे है, 30 सुना साथ में चिपक जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1960, जो कि ऑप्शन डी में दिया है 1960, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप यहां से बना सकते हैं। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चंस है हमारा वो क्वेश्चंस है, वो सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिसे 295, 295, 403 और 547 को विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट सीखने का ट्राई कीजिएगा। देखिए, अगर आप लोगों को डिवाइड पता ही होगा, अगर आपको बोला जाए कि 11 कोई संख्या है, मान लेते हैं कि हम संख्या है 63 है, इसको जब डिवाइड करते हैं 11 से तो क्या शेषफल आता है, तो आप कैसे कीजिएगा, 5 बार में काटिएगा 55 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये चीज ना पता हो और सिर्फ पता हो शेषफल दिया जाए तो आप संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे संख्या, 11 × 55 + 8, वही ना लिखा हुआ, ये 11 + 55 + 8 यही तो है 63, यही संख्या लिखा हुआ नहीं, ये 63। तो इसका मतलब क्या है कि जो शेषफल बचा हुआ एक्स्ट्रा होता है, वो शेषफल जो है हमेशा एक्स्ट्रा होता है, उसको हटा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं संख्याओं को। ठीक है, तो शेषफल को हटा देते हैं, सभी संख्याओं से पहले शेषफल को हटा देते हैं। अब देखते हैं संख्या क्या क्या पॉसिबल होता है, कौन कौन किससे कटेगा। तो 295 में से पहले 7 को घटाते हैं, ठीक है, सब में से 7 घटाते हैं, 295 में से 7 घटाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 288 आ जाएगा।
उसी तरह से 403 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। उसके बाद 547 में से 7 को घटाएं तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तीन संख्या हम लोग को पता चल गया। अब इन संख्याओं को देखना, इन कौन सा टर्म है इन ऑप्शन में जो इन संख्याओं को डिवाइड कर देगा। हम पहले कैसे चेक करेंगे, जब भी ऐसा ऑप्शन देखा जाए तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब संख्या ज्यादातर चांसेस है, 99% चांसेस होता है कि संख्या अभाज्य संख्या से कटे। अभाज्य संख्या हमको यहाँ पे दिख रहा है जो कि 9 छुपा हुआ है, इसमें भी 9 छुपा हुआ है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 9 से ही है, नहीं होगा तो फिर बाद में इसको चेक करेंगे, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि इन दोनों में से ही हो जाएगा आंसर। चेक करेंगे, 9 छुपा, 9 का मल्टीपल तो पता है, सबका सम जो 9 से कटना चाहिए, 8, 2, 10, 18, ये कट जाएगा 9 से, ये भी 18, ये भी कट जाएगा 9 से, 9 भी कट जाएगा 9 से, चलिए 9 से कट जाएगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, पॉसिबल टर्म ही नहीं है, 9 से होगा तो ये होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब 18 हो सकता है, 36 हो जा सकता है, लेकिन आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या पे हम फोकस करने वाले हैं, देखते हैं कि 18 होगा या 18। सबसे पहले हम 36 को चेक करते हैं, 36 का मतलब क्या होता है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 4 लिख सकते हैं, 9 से तो परफेक्ट इन सब सब चला जाता है, क्या 4 से भी चला जाता है, दो अंक जाना चाहिए 4 से, डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, या बिल्कुल 36 से चला जाएगा, तो ये कंप्लीट संख्या जो है 36 से डिवाइड हो जाएगी, इसका 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इस आंसर क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे नहीं बनाइएगा तो कैसे बनेगा भाई, ऐसे अगर नहीं बनाना चाहेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनाना चाहिएगा तो आप क्या कैसे बनेगा, इसे 288, 396, 540 ये तो निकलेगा ही निकलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा SCF, किसका, 288 का, 396 का, 540 का, इसका SCF लीजिए, SCF आप देखिएगा 36 आने वाला है, वही आंसर है। ऑप्शन से ही बता दिया मैंने, बेसिक से ही बता दिया, आपको जो इच्छा होगा वो आप बनाइएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 12 लड़कियों का औसत वजन 18 लड़कों के औसत वजन से 6 kg कम है, यदि 12 लड़कियों का कुल वजन 276 है तो 12 लड़कियों और 18 लड़कों का कुल मिलाकर औसत वजन क्या होगा, आपसे पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से पूछा गया है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये जो 12 लड़की है ना, इनका यहाँ पे 12 लड़की जो है इनका कुल वजन दिया है 276 दिया है, तो 12 गर्ल्स का टोटल वेट दे दिया आपके पास, टोटल वेट दे दिया है, कितना दिया है 276 दिया है, तो इसका एवरेज क्या होगा, औसत कितना होगा, औसत कैसे निकलता है, टोटल में से नंबर ऑफ संख्या डिवाइड कर देते हैं, इसको काट लेंगे, 12 × 24, 12 × 36, 23 आ गया, ठीक है, गर्ल्स का 23 हो गया, हम बनाते हैं वैसा ही, ठीक है, बोलेंगे आप लिखेंगे यहाँ पे गर्ल्स से बॉय का अनुपात, गर्ल्स कितनी है 12 है, बॉयज कितने हैं 18 हैं, इसको अनुपात में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख देंगे 2:3, ठीक है। अब हम देखते हैं गर्ल्स का औसत तो 23 निकल गया, अब क्या बोला है कि 12 लड़कियों का औसत 18 लड़की का औसत वजन से 6 कम है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो बॉय लोग हैं वो 6 अधिक हैं औसत वजन से, लड़कियों का औसत वजन से 6 अधिक हैं, तो बॉय कितना हो जाएगा, 6 अधिक इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, बॉय 29 है। अब हम लगा देंगे एलिगेशन लगा दीजिए, वेटेड एवरेज लगा दीजिए, जो आपका इच्छा है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वेटेड एवरेज लगाते हैं, हम मानते हैं कि 23 ही आंसर होगा, ठीक है, 23 आंसर होगा, लेकिन 23 से ये 6 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, कितने पे, 3 पे संख्या पे 6 ज्यादा है, तो 3 संख्या पे 6 ज्यादा है, ये टोटल बटेगा किस में, बटेगा किस में, बटता है तो हमेशा टोटल में बटता है, 2, 3, 5 में बट जाएगा ये, ठीक है। क्या होने वाला है, 23 + 18/5 क्या होने वाला है, 23 + 3.6 23 26.6 kg आपका आंसर होने वाला है, जो कि टोटल का वेट हो जाएगा, 26.6 kg कहाँ है, ऑप्शन डी में है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से वेटेड एवरेज से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का टिपिकल डेटा नहीं होगा, आप इसको एलिगेशन में लगा सकते हैं, एलिगेशन में मैंने बताया है पिछली क्लास में, आप 13-7 day वीडियो को देखिएगा, आपको कंप्लीट मैथ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से न्यूनतम अंक, यहां 30 ना होकर 36 है, 36 अंक की आवश्यकता है, प्रथम श्रेणी में 60% अंकों की आवश्यकता है, यदि एक छात्र ने 298 अंक प्राप्त किया है और 26 अंक से असफल हो गया है, उसे प्रथम श्रेणी में पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक लाना होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है कितना प्रतिशत अंक लाना होगा,
तो हम इसको बनाते हैं, कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा। देखिए अगर वो बच्चा 298 लाया है, 26 नंबर से फेल हो गया है, 298 लेके आ गया है बट 26 नंबर से फेल हो गया। अगर 26 लेके आ जाता तो बच्चा पास हो जाता, ठीक है। मतलब कि अगर 324 लेके आ जाता तो बच्चा पास हो जाता। पास कितना चाहिए? 36% चाहिए, तो 36% पास हो जाता। 36% जो है 324 का मान है और आपसे 60% का पूछा गया है, तो हम निकाल देंगे 1% का मान कितना हो जाएगा, 324/36। अब आपसे 60% का मान पूछा है, 60% का मान हम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, 324/36×60, ठीक है। अब काटने वाला टर्म को काट लीजिए, 6 से काटेंगे, 6×6=36, अब काटेंगे इसको, 6×5=30, फिर 2 इधर गया ना, 6×6=24, कितना आ गया, 540। 540 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 540, तो इसका आंसर का क्या होगा, 540 होगा। क्वेश्चन आसान है, आप इस तरह से बनाइए, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, किसी तरह का कोई टिपिकल डेटा नहीं दिया गया है, आसानी से बनेगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पॉज कीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन स्लाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन से यहाँ पे भागा दिया है भाई, बुक में थोड़ा सा ये स्कैन करने पे थोड़ा सा वो फट जाता है, ये पता नहीं चलता, डेटा कट जाता है। यदि 2.5 3+8 है, में से 18 को घटाएं और x से डिवाइड करें तो क्या बचने वाला है, 4 बचने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2.5 और 5×3=8 हो गया, 8-18/x ये है इक्वल टू 4। 25×8 कितना होता है, 25×8 होता है 16 ना, नहीं 20, 25×8 200, ठीक है। 200 का एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो 20 आएगा, 20 minus 18/x = 4, ठीक है। यहाँ से 18/x क्या आ जाएगा, 20 - 4 जो कि आ जाएगा 16। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा आपके पास, 18/16, इसको क्या लिख सकते हैं, 9/8 लिख सकते हैं। 9/8 का मतलब कितना है, अब तो एक से ज्यादा होगा, एक से छोटा तो ये नहीं है, ये भी छोटा है, ये नहीं होता है, ये होता है 5/4, एक ही ऑप्शन बचा है, क्या आएगा, 1.125। देखिए जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान देते चलिए कि किसको क्या लिखा जा सकता है, 1.25 को 5/4 लिखते हैं, 5/4 लिखते हैं, ये सब टर्म पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए 1268 रुपए के धनराशि को ए बी और सी के बीच में बांटा गया है कि उसके संगत हिस्से से 7, 12, 18 कम किए जाएं तो उससे उनके हिस्से का अनुपात 2:5/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2:5/7 हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अगर अमाउंट है, कुछ अमाउंट को हम पहले दे दिए, बांट दिए उन बच्चों को, ए बी सी तीनों में बांट दिए, उसके बाद अब क्या बोला गया है, उन उस जितना अमाउंट बचा ना उनके हिस्से में से सभी से बोला कि आप ए 7 दीजिए, बी से 12 ले लिए, 80 से 70 रुपये हम वापस ले लिए, ठीक है। लेने के बाद अनुपात कितना बचा है, 2:5/7 उतना बचा, लेने के बाद बचा है उतना, ठीक है। अगर हम नहीं लेते तो ठीक है, लेने के बाद उतना बचा है तो हम जो लेने वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से को हम इस संख्या से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस संख्या से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा उतना ही हिस्सा को बांटा गया बच्चों में। लिए कितना कितना है, 7 लिए हैं, 12 लिए हैं, 17 लिए हैं, टोटल कितना लिए हैं भाई, 19, 17, 34, 35, 36 आ गया, ठीक है। 36 हम टोटल ले लिए हैं, 36 ले लिए हैं। अगर हम 36 नहीं लेते हैं तो क्या होता, कितना पैसा बचता बच्चों में, 36 ना लेते तो इतना पैसा बच्चों में बढ़ जाता, कितना बचता, 2, यहाँ आ गया 6, 1262 परफेक्ट बढ़ जाता बच्चों में अगर नहीं लेते हैं तो। 1262 बचा है इसमें ए बी सी का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है, 2:5 है, बी का हिस्सा 5:5 है, सी का हिस्सा 7:5 है, इन हिस्सों में बढ़ जाता बच्चा को पैसा। टोटल हिस्सा कितना है, 7×7=14 हिस्सा है, तो 14 हिस्सा का मान, 14 हिस्सा है ना भाई, हाँ 14 हिस्सा का मान, 14 हिस्सा का मान जो है 1262 दिया हुआ है, तो आपसे बी का मान पूछा है, मतलब 5 का मान पूछा है, 5 का मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1262/14×5 ये हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, काटने का ट्राई करते हैं, काटिए आप इसको,
आसानी से कैसे कर सकते, डिजिटल सम लगा दे क्या, डिजिटल सम लगाए थे, नीचे पाँच है ऊपर दो से यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाँच तीन आठ दो, दो का मल्टीपल होगा, ठीक है, दो का मल्टीपल, दो का मल्टीपल छः तीन नौ, दो का मल्टीपल ना, दो का मल्टीपल चार सौ बावन, यही तो है डिजिटल सम दो आएगा, दो का मल्टीपल नहीं डिजिटल सम दो आना चाहिए, डिजिटल सम दो ऑप्शन ए है चार सौ बावन, फोर फिफ्टी टू, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, डिजिटल सम से मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है वो सबसे बड़ी चार अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें आठ नौ पंद्रह और बीस से भाग देने पर पांच बचता है, छह बचता है, बारह बचता है, सत्रह शेषफल बच जाता है, शेष बच जाता है, शेष ना बचे तो, शेष ना बचे तो सबसे पहले हम क्या, किस पे ऑप्शन से बनाने के लिए सबसे पहले फोकस किया जाता है, शून्य पे, शून्य कैसे बनता है, दो इंटू पांच का मल्टीपल से बनता है, तो शून्य आना चाहिए सभी में, ये चीज चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो अगर हम सब में सत्रह जोड़ दें, इसमें सत्रह जोड़ेंगे तो इसका सात पांच पंद्रह आ जाएगा, ये आंसर तो नहीं होगा, यहाँ सात तीन दस, यहाँ सात तीन दस, सात तीन दस, ये सब तीनों आंसर पॉसिबल हो सकता है, बीस वाला काम नहीं करेगा। अब हम क्या चेक कर सकते हैं, नौ वाला चेक कर सकते हैं, नौ में एक अभाज्य संख्या है, पहले आप छः, छः बढ़ाते हैं सभी में, देखिए पहले ऑप्शन बी, बी में बढ़ाते हैं छः तो कितना हो जाएगा, ट्रिपल नाइन, छः बढ़ाएंगे तो ट्रिपल नाइन हो जाएगा, ठीक है, ये नौ से कट जाएगा, ये हो सकता है आंसर। इसमें सी में देखेंगे तो इसमें भी छः बढ़ाते हैं, नाइन सेवन टू नाइन, सात दो नौ, ये भी नौ से कट जाएगा, ये भी आंसर पॉसिबल हो सकता है, ये देखते हैं, एट सेवन टू नाइन हो जाएगा, ये हो सकता है क्या, नौ नौ ये नहीं होगा, एक और ऑप्शन कटा आपके पास जो कि ऑप्शन डी कट गया, दो ऑप्शन तो कट गया, अब ऑप्शन बी या ऑप्शन सी से होने वाला है। अब हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है, अब हम चेक करते हैं, चेक करते हैं पांच, पांच जोड़ने के बाद क्या आठ से कटता है, ये पांच जोड़िए पहले, पहले ऑप्शन बी में पांच जोड़ेंगे, ऑप्शन बी में पांच अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, ट्रिपल नाइन एट, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइन सेवन टू एट, कौन सा कट रहा है भाई, आठ से, ये देखते हैं, आठ एकम आठ, एक इधर गया, आठ दूनी सोलह, यहाँ तीन बचेगा, अड़तीस, नहीं ये नहीं कटेगा, ऑप्शन सी भी चला गया, ऑप्शन सी भी चला गया, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी चला गया, तो इनसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको चेक कर लेंगे, आठ से कट रहा है, आठ नौ बहत्तर, आठ एकम आठ कट जाएगा, ये ऑप्शन बी सही आंसर है, आप इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन सी सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, आप इसको ऑप्शन से बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा, ऐसे बहुत टिपिकल है, एक्स लेके बनाना पड़ेगा, ऑप्शन से सीखिए इन चीजों को, अगर नहीं आता है तो सीखने का ट्राई कीजिए, अभी एग्जामिनेशन में समय है, सीख लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, एक्स वाई का अनुपात पांच अनुपात तीन है, आपसे पूछा गया है फाइव एक्स प्लस एट एक्स प्लस फाइव वाई सेवन एक्स माइनस फाइव वाई, इसका मान पूछा गया है, ठीक है, एक्स से वाई का अनुपात कितना दिया है, पांच अनुपात तीन है, ठीक है, और आपसे पूछा गया जो वो हम निकालते हैं, क्या पूछा गया है, एट एक्स प्लस फाइव वाई डिवाइडेड बाई सेवन एक्स माइनस फाइव वाई, हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, आठ पाँच प्लस पाँच तीन डिवाइडेड बाई सात का अंदर पाँच से मल्टीप्लाई, पाँच को तीन से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, चालीस और पंद्रह चालीस फिफ्टीन, यहाँ पे आ गया पैंतीस माइनस फिफ्टीन, ऊपर में आ गया पचपन डिवाइडेड बाई, नीचे कितना हो गया बीस आ गया, पचपन बटा बीस को क्या लिख सकते हैं, ग्यारह बटा चार लिख सकते हैं, इलेवन बाई फोर लिख सकते हैं, इसको जब डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, चार दूना आठ तीन अनुपात दो पूर्णांक तीन बटा चार, दो पूर्णांक तीन बटा चार का है ऑप्शन सी में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, दो पूर्णांक तीन बटा चार, आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, इजिली बन जाएगा दो पूर्णांक तीन बटा चार, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, दो बर्तन है ए बी, ए और बी है, जिसमें दूध और पानी का संगत अनुपात क्रमशः तीन पाँच एवं सात नौ है, ठीक है, दोनों बर्तनों में से समान मात्रा, इस पे फोकस कीजिएगा, समान बोला है, इक्वल, समान का मतलब इक्वल निकाला जाता है, नया मिशन बनाया तो नए मिशन में दूध और पानी का अनुपात क्या पूछा गया है, लेकिन इक्वल निकाला जाता है तो हम पहले इक्वल कर लेते हैं टर्म को, समान बोला है तो समान इक्वल कर लेंगे, ए में क्या हिस्सा है, मिल्क से वाटर का अनुपात जो है वो दिया हुआ तीन अनुपात पांच है, ठीक है, बी में मिल्क से
वाटर का अनुपात जो दिया हुआ है उस दिया हुआ है 7:9 है। क्या कितना दिया है 7:9। बोला दोनों इक्वल निकालते तो क्या इक्वल है, इनका सम 8 है इनका सम 16 है, इक्वल तो नहीं है भाई, तो हम इसको भी 16 बना देते हैं। ठीक है बना दिए 16, तो क्या हो जाएगा 6 से 10 हो जाएगा। अब 16 हो गया, अभी भी 16 हो गया, अब हम सबको मिलाएंगे ना तो क्या हो जाएगा एक नया अनुपात बनेगा जिसमें मिल्क मिल्क से मिल जाएगा, वाटर वाटर से मिल जाएगा। मिल्क यहाँ क्या है 6 हिस्सा, यहाँ 7 हिस्सा, तो 6 + 7 हो जाएगा। वाटर यहाँ 10 हिस्सा, यहाँ 9 हिस्सा, तो वाटर 10 यहाँ 9, तो कितना हो जाएगा 13 से 19। 13 से 19 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में दिया है, 13:19, यही इसका सही आंसर होगा। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:19 होगा। ठीक है इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा इजीली बन जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है होमवर्क ना देते हैं आप इसको, हाँ होमवर्क ही देते हैं आप इसको, बेसिक से सॉल्व कीजिएगा। मैं ट्रिक बता देता हूँ जो कि आपका आपके लिए काम आएगा। ठीक है मेरे को इसका टेबल नहीं पता है या मेरे को फॉर्मूला भी नहीं पता, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है यहाँ पे लिखा क्या है 8 × 2.65 का क्यू निकालना है, -1 करना है, डिवाइड करना इन संख्याओं को 5:3 का स्क्वायर प्लस 6.3, इससे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम इसको क्या कहते हैं हमको नहीं पता है कैसे कैसे कैलकुलेशन है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। ठीक है फॉर्मूला भी नहीं पता है, ऐसे सेट है फॉर्मूला पे, लेकिन देखिएगा चेक कीजिएगा होमवर्क दिया गया फॉर्मूला चेक करने का। मैं इसको कैसे बताता हूँ आपको, हम यहाँ डिजिटल सम लगाने का ट्राई करते हैं। क्या लग जाएगा डिजिटल सम, डेफिनेटली लग जाएगा, नीचे 9 नहीं आना चाहिए, 3, 6, 9 नहीं आना चाहिए, नहीं लग जाएगा डिजिटल सम, देख लेते हैं लगा के। यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे डिजिटल सम कितना आया 6 × 2 = 8 + 5 = 13 का, 13 का सम कितना होता है 3 × 1 = 4 होता है, तो 4 का क्यूब यही बोला है -1। यहाँ पे देखेंगे 8 का स्क्वायर है प्लस 6 × 3 = 9, यहाँ तो 0 हो गया, 9 को हम 0 लिखते हैं। ठीक यहाँ पे कितना है 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो 6 × 4 = 10 एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं एक हो जाएगा। यहाँ पे 8 × 8 = 64 होता है, 64 का मतलब एक, इसको भी लिख दिया, क्या आ गया 8 में से 1 गया तो 7, 7 / 1 कितना आता है 7। इसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए, डिजिटल सम आना चाहिए 7 किसका है, यहाँ पे देखेंगे 5 × 5 = 10 = 3 नहीं 4 है, 5 × 3 = 8 = 3 11 / 2 हो जाएगा। यहाँ पे डिजिटल सम देखेंगे 15 × 6 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 4 × 3 = 7, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी सही है, 4:3 यही सही आंसर है। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से, ठीक है फॉर्मूला पे लगाइएगा आप लोग, मैं होमवर्क दे देता हूँ फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा, ऐसे मैंने डिटेल हमसे बता दिया। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा अच्छा लगा कि नहीं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में विद्यार्थी के प्रत्येक विषय में औसत अंक 72 थे, यदि उसने गणित में 15 अधिक और इतिहास में 17 अधिक प्राप्त किया होता उसके प्रति विषय औसत अंक 75.2 होते। ठीक है बोला गया है जो भी बच्चा नंबर लाया है उन्हें बोला गया है कि अगर वो मैथ में 15 अधिक मिलता और इतिहास में 17 अधिक मिलता तो उसका औसत कितना हो जाता बढ़ जाता। पहले औसत कितना है 72 है, अब यही औसत बढ़ के 75.2 हो जाता, औसत कितना बढ़ता भाई, औसत बढ़ा है, औसत कितना बढ़ गया, पहले 72 था अब 75.2 हो गया, तो अब कितना बढ़ा है औसत 3.2 बढ़ा है, औसत 3.2 बढ़ा है। टोटल अंक कितना बढ़ा है, किसके वजह से आया है चेंज, 15 और 17 का आया है चेंज। ठीक है 15 और 17 की वजह से चेंज आया है। देखिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको फॉर्मूला से बताया, औसत क्या होता है टोटल नंबर होता है डिवाइडेड बाई सम डिवाइडेड बाय नंबर, कितना टोटल का सम है, तो सम कितना पे चेंज हुआ है भाई, औसत पता है तो नंबर ऑफ निकालना हमको, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, ये कैसे निकलेगा सम डिवाइडेड बाय औसत, यही निकलने वाला, हिंदी इंग्लिश मैंने मिक्स करके बताया भाई, था देख लीजिएगा इन चीजों को। सम कितना चेंज हुआ है 15 चेंज हुआ है 17, दो बढ़ाने से औसत कितना बढ़ा है 3.2 बढ़ा है, नंबर ऑफ संख्या निकल जाएगा कितना हो जाएगा 32 चेंज हुआ है 3.2 से, पॉइंट हटाएंगे सुनना लगाएंगे 32 से 32 चला जाएगा 10। तो क्लास में तो उस परीक्षा में कितने विषय थे
उस परीक्षा में 10 विषयों का परीक्षा लिया गया था, ठीक है। तो इस 10 निकल गया, उस विषय मतलब जो टोटल एग्जाम हुआ था वो 10 सब्जेक्ट का हुआ था, आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। आप 10 विषयों का एग्जाम हुआ था, आप इजीली इसको बता सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यहाँ भी दिया गया है, आई थिंक सेम क्वेश्चन है ना, हाँ 10 विषय का एग्जाम हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस संख्या का महत्तम निकालना है, जब संख्या जो है P बटा Q के फॉर्म में हो और आपसे पूछा जाए LCM, तो क्या होता है। जो पूछा जाए, अगर LCM पूछा जाए, देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोग को नोट कर लीजिएगा भाई। अगर संख्या P बटा Q I बटा S है और आपसे इन संख्याओं का LCM पूछा जाए, LCM पूछा जाएगा तो LCM सिर्फ LCM पूछा जाएगा तो ऊपर वाला का LCM लेंगे, P और R का LCM लेंगे और नीचे वाला का HCF लेंगे, QS का HCF लेंगे। अगर इसी में HCF पूछा जाए तो क्या होगा, HCF अगर पूछा जाए तो जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाला के साथ करना, ऊपर वाला क्या लेंगे HCF लेंगे और नीचे वाला LCM ले लेंगे, ठीक। जो पूछा जाएगा, देखिए सामने सामने लिखाएगा ये, LCM के सामने LCM, HCF के सामने HCF, जो पूछा जाएगा उसको ऊपर, जो नहीं पूछेगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इनको बनाने का, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। आप चलेंगे फॉर्मूले पे, आपसे पूछा क्या है कि HCF पूछा है, महत्तम पूछा है, तो महत्तम क्या हो जाएगा, संख्या अनुपात में पहले है, अनुपात में कितना है, 2:3 है, 3:5 है, 5:8 है और 8:9 है, ये 3 दिया हुआ है। इसमें बोला गया है आपका कि HCF निकालना है, HCF जब हम निकालेंगे तो क्या मैंने बोला, ऊपर वाले के साथ सेम बिहेव, HCF कितना हो जाएगा, 2, 3, 5 और 8, इसका HCF निकाल देंगे, इसका HCF निकालेंगे और नीचे वाला का LCM निकालेंगे, LCM कितना आ जाएगा, 3, 5, 8, 9, इसका LCM निकाल देंगे। HCF जब निकालेंगे इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या है, साथ में इवन नंबर भी है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर तो ऊपर में 1 आ जाएगा। नीचे LCM देखेंगे तो LCM कितना हो जाएगा, 9 छुपा हुआ है तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, नीचे ये नहीं है, ये नहीं है, नीचे 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये दो ऑप्शन हो सकता है। तो महत्तम के लिए क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, पहले हम 360 को चेक कर लेंगे भाई, 360 हो सकता है क्या, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, जी बिल्कुल 360 पॉसिबल है, तो 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 यहाँ क्या अनुपात में है, 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x, ठीक है, 1/2x डिवाइडेड बाई 18/14 लिखा हुआ है, 49। हम इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2x के साथ 49/18 ये हो जाएगा। कटने वाला क्या क्या टर्म है, कटने वाला टर्म है यहाँ पे, 2 से काटेंगे 2, इसको काटेंगे 9, क्या आ गया आपके पास, x इंटू एक्स इक्वल टू 49/9, मतलब कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 49/9। एक्स का मान जब हम निकाले ना, रूट अंडर 49/9 कितना हो जाएगा, 7/3, 7/3, बस 7/3 यहाँ है नहीं, तो सॉल्व करेंगे तो 3 × 6 = 1/3, 2 × 1/3 कहाँ है, 2 × 1/3 ऑप्शन बी में, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 × 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन बी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, यही इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन, होप्सो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, कंप्लीट क्वेश्चन। इसका PDF जैसे ही वीडियो अपलोड होगा PDF आपको तुरंत मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जो भी सजेशन होगा आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आप चाहते हैं चैप्टर वाइज या फिर ऐसे ही मॉक चाहते हैं कंटिन्यू, आप सजेस्ट कीजिएगा, उसी तरह से कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। वीडियो को रहने देते हैं, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।